25 सितंबर हो चुका है एनटीए का, अभी तक भी कुछ भी नामो निशान नहीं है। कोई भी एनटीए का कैलेंडर इस बार रिलीज नहीं किया गया है। पिछली बार 19 सितंबर को कैलेंडर रिलीज हो गया था, उस पर डेट लिखी थी 14 सितंबर, बट इस बार अभी तक भी रिलीज नहीं हुआ। बच्चे काफी परेशान है कि हमारा क्या रिलीज होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के आपको वीडियोस भी देखने को मिल गई होंगी, लेकिन मैंने आपको कहा था हम ज़्यादा वीडियो डालते भी नहीं है क्योंकि जब तक कुछ अच्छी अपडेट ना आ जाए। तो देखो बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को देख रहा, 10 वीडियो डाल चुके थे, मैंने सोचा एक वीडियो में बताया जाए, क्लियर किया जाए बच्चों को क्या चल रहा है क्या नहीं। देखो अभी तक नहीं शुरू किया ना तो 4 to 5 days रुक जाओ, या आपका 1-2 दिन में भी ये लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी बहुत सारे हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि 75% का क्राइटेरिया हट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, 75% का क्राइटेरिया भी आपका रहेगा ही रहेगा। बाकी आपके एग्जामिनेशंस जनवरी में शुरू हो जाएंगे, 24-25 जनवरी के अप्रॉक्सीमेटली आपके जो है इस एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, इसलिए तैयारी उसी हिसाब से करो कि 20 जनवरी के बाद एग्जाम हो रहे हैं ये सोच के चलो। सेशन 1 का, सेशन 2 का आपका अप्रैल में जाएगा, 4th अप्रैल 5th अप्रैल के आसपास आपका शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी से ज्यादा भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 1st week of November में, ये पिछले बार इन्होंने शुरू किया था, तो अराउंड वही शुरू करेंगे। 1 महीना आपको पूरा टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही आएगा अपडेट बता देंगे। बट हाँ, इस चैनल पे बस अपडेट अपडेट नहीं, काफी चीजें इस चैनल पे आती रहेंगी, जेई के अलावा, जेई के रिलेटेड हर एक चीज इस चैनल पे आपको डलते रहती है, ठीक है। बहुत बच्चों का उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, तो और भी ऑप्शन है आपको, कौन कौन से एग्जाम आपको भर के चलने चाहिए, हर एक चीज इस चैनल पे बच्चों आ रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम फालतू की बात नहीं करते और जो बात करते हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए भी कर लेना। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।